ഏടി കാരകന एक नंबर, दोनों भी पार्ट अच्छे थे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। बट अभी हम किधर है? अरे तो ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन इन दी महाबलेश्वर सीरीज और ये मेन महाबलेश्वर से 20 से 25 किलोमीटर के अंतर पे है। इट्स वेरी फॉर्चुनेट इफ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हमारी जर्नी भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। जस्ट हैव अ लुक एट द वेदर गाइज, इट्स सो फ्रीकिंगली अमेजिंग। आई नो इट्स फॉगी एंड अ बिट रिस्की, बट इफ यू आर अलर्ट एंड इफ यू आर ड्राइविंग सेफ, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओह गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ऑल्सो जब हम रॉकफोर्ड आए थे तो इसी एग्जैक्ट रोड्स पे हमें बहुत सारे मिनी फॉल्स भी दिखे थे। प्रतापगढ़ फोर्ट से आपको दिखेगा अफजल खान और उसके अंगरक्षक की कब्र। उसके अलावा फोर्ट के अंदर तीन मंदिर है, भवानी माता जी, शिव जी और हनुमान जी का। और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिसके बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं। फोर्थ स्टैंडर्ड में जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सीखने मिला था, उसमें मेरा फेवरेट किस्सा था ये अफजल खान और शिवाजी महाराज वाला। तो वो है अफजल खान और उसके अंगरक्षक की कब्र। अफजल खान की दो कब्रें हैं। इस कब्र में उनका शरीर बॉडी है, थर्ड पार्ट है, और उनका सिर जो है वो राजगढ़ फोर्ट के कब्र में है। ये गुफा महाराज साहिब ने बनवाई थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के दौरान, ताकि अफजल खान अगर कोई धोखा करे तो यहाँ छुपे हुए मावले उन पर सरप्राइज अटैक कर सके। और नहीं, गुफा इतनी छोटी नहीं थी, ऑफ कोर्स वो बहुत आगे तक थी, बट अभी क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है और गाड़ियाँ यहाँ आती है, तो उस पहाड़ को, उस गुफा को तोड़ कर यहाँ पे रास्ते बनवाए गए हैं। ये जो लंबे से दो आर्किटेक्चुरल फॉर्म आप देख रहे हो, ये इसलिए बनवाया गया था कि दूर से पता ही ना चले कि यहाँ से रास्ता है, और वो भी मेन गेट की तरफ। मेन गेट से पहले जो ये पैसेज है, इसे पर्पसली नैरो बनाया गया है। वो होल आप देख रहे हैं, वहाँ से तोपें चलाई जाती थी दुश्मनों पे जो हमला करने आते थे। दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए दीवार के साइड में चले जाते थे तोप के गोले से बचने के लिए, और इन होल्स में से उन पे गरम तेल या गरम पानी छोड़ा जाता था, तो ना ही वो बीच में रुक पाते थे और ना ही वो दीवार के साइड में जा पाते थे। और मान लीजिए अगर किसी तरह दुश्मनों ने मेन गेट तोड़ दिया और अंदर आक्रमण के लिए आए, तो अंदर का पैसेज और भी नैरो है, ताकि एक वक्त पे एक ही आदमी घोड़े पे अंदर जा सके। ये तोप 600 से 650 किलो का है और इसकी रेंज है 3 से 4 किलोमीटर तक की। जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसे राजमार्ग कहते हैं। यहाँ से केवल राजा और उनकी पालकियाँ जाती थी, क्योंकि अब कोई राजा यहाँ पर है नहीं, तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है एंड इट इज़ नॉट इन यूज़। यहाँ से आप नहीं जा सकते। इस किले को बनाने के लिए पत्थर यहीं के पहाड़ियों को तोड़कर काम में लाया गया था, और पहाड़ियाँ तोड़ते समय उन्हें ये पानी का लेक डीप ग्राउंड के अंदर मिला। अच्छा ये बताइए, ऐसे सुहाने मौसम में व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड क्रेव टू ईट और ड्रिंक?
ये है भवानी माता का टेंपल। इसके अंदर आपको शिवलिंग दिखेगा क्रिस्टल से बना हुआ। इसके अलावा अंदर आपको दिखेगी शिवाजी महाराज के सिर सेनापति हंबीराव मोहिते जी की तलवार, जिन्होंने द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में 600 लोगों को मार गिराया था। पनिशमेंट पॉइंट। अगर कोई गंभीर गलती करता था तो उनका हाथ पैर बांध के उन्हें यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था, ये 1800 फीट नीचे। हालांकि प्रतापगढ़ फोर्ट में ऐसा कभी किस्सा कोई हुआ नहीं, पर रायगढ़ फोर्ट पे जरूर हुआ है। हमारे हिसाब से प्रतापगढ़ फोर्ट विजिट करने का बेस्ट टाइम है पोस्ट रेनी सीजन, क्योंकि आपको हरियाली भी देखने मिलेगी और विंटर का मजा उठाने भी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर महाबलेश्वर ट्रिप। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए अगर आपके कोई सजेशंस हो, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपने हमारा पंचगनी महाबलेश्वर पार्ट 1 और 2 मिस किया है तो अभी आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। क्लिक एंड डू वॉच इट। एंजॉय।